Recently, Yuvika Chaudhary, Nisha Rawal and many others spotted at designer Rohit Verma's new collection Walking on a Dream. And what hair designer said in the interview with Nisha Rawal, have a look. वॉकिंग ऑन अ ड्रीम का कलेक्शन का लॉन्च होने वाला है 19th ऑफ दिसंबर को जो साई स्टेट प्रेजेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद एफ ट्रैक डेक्कन पीपल अलॉन्ग विद पूजा ज्वेलर्स एंड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं लेकर आ रहा हूँ इस टाइम जो प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर है जो अपनी लाइफ से गेट फेड अप हो जाती हैं एंड दे लीव द करियर द होल कलेक्शन इज डेडिकेटेड टू वुमन लाइक दैम एंड यस निशा इज़ वेयरिंग वन ऑफ द पूजा ज्वेलर्स ज्वेलरी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत उन्होंने सेट पहना है पूजा ज्वेलरी का और उसके ऊपर उन्होंने मेरा मुगल एम्पायर आउटफिट पहना हुआ है तो आई थिंक सो दिस इज़ फॉर द वुमन ऑफ सब्सटेंस दिस इज़ फॉर द वुमन ऑफ टुडे इज ट्रेंडी क्लासी प्लस कम्फर्टेबल निशा जी आप क्या कहना चाहेंगे आप जिससे अभी आप मदर का जो फीलिंग है आप मदर बनी हैं इस तरह से अटायर में रोहित जी ने जिस तरह से आपको सजाया है क्या कहना चाहेंगे आप मैं रोहित की दाद देना चाहूँगी डेफिनेटली आई हैव ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ हिज वर्क एंड जैसे रोहित ने कहा कि इसमें बहुत हैवी काम है बट पहनने में ये बिल्कुल हैवी नहीं लगता इट्स एब्सोल्युटली लाइट दूसरी बात आफ्टर अ जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी डेफिनेटली वुमेन कॉन्शियस हो जाती हैं बिकॉज द बॉडी चेंजेस वो इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी यू नो आप Only women who've gone through pregnancy will understand. And that's why I want to applaud Rohit that he understands a woman so well. When I was pregnant, it was like he was pregnant with me. You know, वो हमेशा तो जब एक इंसान इतने closely कुछ देखता है और उसको अपने creative abilities के through इस चीज़ का रूप दे देता है like walking on a dream. It's an absolutely beautiful feeling. I don't think कि इससे ज़्यादा कोई समझ सकता था कि एक औरत को क्या चाहिए She wants to still look beautiful. She still wants to wear the same kind of outfit. That she used to wear before pregnancy and today of course with the help of so many exercises and people being so conscious and thanks to the internet and so many amazing trainers people are able to do it but of course kapde ek bahut hi ahem bhumika you know ada karte hain so that is why I want to commend Rohit on this beautiful creation Rohit ji aap kya kehna chahenge jis tarah se Ishan ji ne bataya ki kapdon ke upar dhyan rakhna kitna aapke liye task laga ki matlab Nisha ji ko ready karne ke liye kya kya cheez unki फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है कि निशा ही नहीं मैं हर उस औरत से बात ये मैसेज पहचाना चाहूँगा कि ऑलवेज ट्रस्ट द डिज़ाइनर निशा ने कभी मेरी क्रेडिबिलिटी को एज अ डिज़ाइनर मेरे को कभी डाउट नहीं किया है ओके मैं निशा की बॉडी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ ऐसे इसी प्रकार जब मेरे पास कस्टमर्स आते हैं तो मैं उनके कभी कभी कोई भी मेरे पास ब्राइड आती है जो 80 किलो की और 100 किलो की होती हैं मोटी होती हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स और वो करीना कपूर की पिक्चर में दिखाती है मेरे को ऐसा बना दीजिए यू नो सो आई ऑलवेज सिट डाउन विद देम बिकॉज इट्स देयर वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड यू ऑल हैव टू लुक वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्रस्ट योर डिजाइनर सेकेंड यू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ एवरीबडी इज ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे गॉड इज क्रिएटेड अ वुमन टू बी मोस्ट गॉर्जियस थिंग यू नो सो आई थिंक सो और हम डिज़ाइनर उनको कपड़े पहनाते हैं उनको हम सजेशन देते हैं कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्योंकि उनके बिग नाइट पे हमसे अच्छा सजेशन कोई नहीं दे सकता कि हम उनको स्टडी करते हैं उनकी लाइकिंग्स क्या उनकी डिसलाइकिंग क्या उसके बाद हम कपड़ों का निर्माण करते हैं जी क्योंकि लाइक वेडिंग सीजन चल रहा है अभी दीपिका की शादी हुई और अभी प्रियंका चोपड़ा की शादी हो रही है तो क्या चीज़ आपने कभी आपने ऐसा मतलब दीपिका का जब कलेक्शन जब आया था तब आपने क्या सोचा था क्या दीपिका ने बहुत बहुत ज़्यादा प्ले सेफ किया इस वेडिंग में उसने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं शादी में एंड बट आई लाइक ऑल हर लुक्स यू नो बट यू नो आर सोसाइटी टेक्स लिटिल टाइम टू सिंक सर्टेन काइंड ऑफ हाई पैशन थिंग बट आई थिंक सो जब क्या कहते हैं वो खुश है किसी को चीज़ को कैरी करनी देखिए आपको कपड़ा आप कुछ भी आपको कैरी ऑफ करना चाहिए एंड आई थिंक दीपिका कैरीज एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुली आप क्या सजेस्ट करते हैं वेडिंग में बेसिकली आई थिंक ऑलवेज वेयर योर पर्सनैलिटी ऑलवेज वेयर समथिंग विच यू वेरी कंफर्टेबल विद ऑलवेज वेयर समथिंग विच यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ एंड देन यू कैन पुल इट ऑफ बिकॉज इट्स योर बिग डे क्योंकि विंटर भी चल रहा है कोई ऐसे स्पेसिफिक आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि ये चीज़ का ध्यान रखें चाहे वो मेकअप हो हेयर स्टाइल हो या कपड़ा आई थिंक ऑलवेज गो वेरी मिनिमिस्टिक एंड आई डोंट डू ओवर द टॉप मेकअप एंड बिग बूफोज हेयर क्रिसमस ट्री मत बन जाइए ओके सिंपलिसिटी को ध्यान में रखिए और हमेशा देखिए कि आपकी पर्सनैलिटी किसी को पुल ऑफ कर सकती है
उस पे आप ध्यान दें और आप बहुत सुंदर लगे। रोहित जी, हम निशा जी की बात करें, आज जो उन्होंने अटायर पहना उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का अटायर आपने ध्यान रखा? मुगल उन्होंने पहना है, मुगल मेरा, इन्होंने शरारे पहने हुए हैं और उसके ऊपर इन्होंने कलाबत्तू का काम है, गोटा पच्चे का काम है और उसके साथ इन्होंने बहुत सुंदर पोल की जाना, आप देख रहे हैं पूजा ज्वेलर्स की में जो इनके। इट्स अ जस्ट रिपोर्ट फ्रॉम नेक्सन वर्ल्ड।